जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली योजना के तहत जल जीवन हरियाली अभियान विषय से संबंधित अनुमंडलीय पकड़ी दयाल के प्रखंड सभागार में जिला अनुमंडल व संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पकड़ी दयाल पताही मधुबन तेतिया व फेनहरा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उक्त विकासात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा संबंधित पदाधिकारियों से की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आवास योजना के तहत लंबी कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था सुधारण हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अनुमंडल में समीक्षा बैठक की गई, विशेष किस मुद्दे पर चर्चा हुई? बेसिकली इनकम्प्लीट प्रधानमंत्री आवास योजना है, जल जीवन हरियाली के जो जलापूर्ति जल संरक्षण की योजनाएं है वो पूर्ण करना, नल जल की जो अक्रियाशील है, कंप्लीटेड है लेकिन किसी कारण से जो जल गया है मोटर या स्टार्टर वो लोग उसको पूर्ण करना, इसके अलावा भी जो है राजस्व विभाग के भी कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई, अभियान बसेरा हो, उसके दखल दहानी हो, रेवेन्यू कलेक्शन का हो, अतिक्रमणवाद और माननीय उच्च न्यायालय में जो वाद लंबित है इसकी चर्चा। बेसिकली जो है ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे कर्मचारी है वो पंचायत सचिव हो, कर्मचारी हो या आवास सहायक, उनके बीच में जो है वो गंभीरता और संवेदनशीलता जो है वो तैयार करने के लिए बैठक थी। आगे आने वाले समय में इसका फॉलोअप राउंड भी किया जाएगा ताकि जो है कोविड कार्ड और इलेक्शन के मद्देनज़र कुछ जो हमारा थोड़ा सा धीमा हो गया था देश विकास का उसको फिर हम जो है बरकरार रखें। थैंक यू। पकड़ी दयाल से प्रदीप कुमार यादव की रिपोर्ट।